पंचकुला के बुढ़नपुर व राजीव कॉलोनी के घरों में धड़ल्ले से अवैध शराब बिक रही है। पुलिस ने छापेमारी कर मौके से 18 शराब की पेटियां बरामद की है, जिनमें से 11 शराब की पेटियां बुढ़नपुर के एक घर से बरामद हुई, जबकि 7 पेटियां राजीव कॉलोनी के एक घर से मिली। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पंचकुला सेक्टर 16 चौकी इंचार्ज बलदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि बुढ़नपुर व राजीव कॉलोनी के घरों में अवैध तरीके से शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने बताया कई जगह पर रेड डालकर 18 पेटियां शराब बरामद की है। शराब की पेटियां बरामद हुई है, इसका क्या है मामला? एक गुप्त सूचना मिली थी कि गांव बुड्डन होता है, एक मकान में एक व्यक्ति अवैध शराब का करता है, तो मजदूरी के आधार पर वहां ड्रेड किया गया और एक व्यक्ति को काबू किया गया और उसके कब्जे से 11 पेटी शराब ठेका देसी बरामद की गई। कहाँ कहाँ से सर शराब जो है आपने बरामद की? इसके अलावा राजीव कॉलोनी में भी गुप्त सूचना के आधार पर एक मकान के अंदर से 7 पेटी शराब अवैध ठेका देसी बरामद की। तो कौन थे सर जो जिनको आपने पकड़ा है? गोल्डनपुर में तो मोड़ी जागरण का रहने वाला था, साहिल नाम का व्यक्ति था। और भी इसके जो शराब बेचते थे इसके पीछे भी रहा? और राजीव कॉलोनी में जो शराब पकड़ी है वो अश्विनी कुमार की है, लेकिन मौके पर हाजिर नहीं मिला, वो फरार है।